ये देखें जी पाजी लुट के ले आए ने पैसे। वाह 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 जी, पैसे लुटने के लिए आए हैं ये भी और अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखिए 1500 वाला उड़ाना, 1500 वाला कहने उड़ाना है। तो फिर वो उन्होंने टेंट करवा ली है, तो क्लीशे भी करवा ली, और उसकी जो डकी भाई की बीवी मिसिस थी वो उसको कहती कि मैंने घर ही नहीं आना। जी दोस्तों, काफी मजेदार खाना है, बीप अच्छा पका हुआ है और अन्नी पा आए हैं, यानी कि काफी बड़ा गोश्त खा गए हैं और ढेड इन्होंने काफी बड़ा हो जा रहा है। बीफ तैयार हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे सारा। तो ये इस भाई ने तैयार किया है, मैंने तैयार किया, और इस तरह आप ये देखें भाई, ये पैक कर रहे हैं। तो ये भाई बैंड वाले बड़े अफसरदास होकर बैठे हैं क्योंकि अभी बारात नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों का? उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत होंगे। आज फिर आए हैं जी बाईपास के ऊपर वलीमा करने के लिए। जैसे कि आप पीछे नज़र आ रहे हैं, दो हाल हैं, स्टार मार्की और बिन सऊद। मैं खड़ा हूँ अभी पंजाब, जो इसका नाम है जी पंजाब होटल, उसके ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा आज ही रश है, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो आइए चलते, मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। ये जी शेखपुरा की है बाईपास, और काफ़ी ज़्यादा रश होता है इधर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है गाड़ियों मोटरों का। ये सारे पैसे लूटने के लिए जो लोग खड़े हैं, ये आपको दिखाते हैं जैसे ही बारात आएगी कि पैसे भी किस तरह लूटते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बैंड वाले भी आ चुके हैं, ये सामने झूले लगे हैं, बच्चे झूले ले रहे हैं, और गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा रश है, और इस रोड को कहते हैं खूनी रोड, एक्सीडेंट होता रहता है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको मैंने पहले बताया कि ये सारे पैसे लूटने के लिए आए हुए हैं बच्चे। ये वाले भाई बैठे हुए हैं सारे बैंड वाले, उनसे बात करते हैं। शाह जी कितों बारात आ रही है पता जी? नहीं पता, सुखे की तो बारात आ रही भाई, कह रहे जी देखो कदम आ गया जी। मैं आ चुका हूँ बिन सऊद के आगे, ये देखें झूले लगे हैं और स्टॉल लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है बच्चों का। तो ये कुल्फी खा रहा है, ये पैसे लूटने के लिए आए हुए हैं बारात के। तो जैसी बारात आएगी ये सारे जो लटेरे हैं वो आ जाएंगे। तो अभी बिखरे पड़े हैं, कितने कितने पैसे लेंदे ने? 500 रुपया कहने जी लुटते ने, ठीक है। तो और देखो तीला ही खाई जा रहा है, तीला ही खाई जा रहा है। तो जी ये आ गया भाई चिप्स लेके, ये देखें अभी चिप्स बच्चे खाएंगे। तो आज यानी कि है वलीमा हमारा, और बारात भी आ रही है, जैसे बारात आएगी करेंगे काम। तो ये भाई बैंड वाले बड़े अफसरदास होकर बैठे हैं क्योंकि अभी बारात नहीं आई, तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कितने एक पैसे होंगे आज। चलिए ये भी बारात जा रही है, ये बारात की गाड़ियाँ जा रही हैं सारी। तो आज काफ़ी ज़्यादा रश है बारात का, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा बारातें हैं। तो मैं खड़ा हूँ जी अभी इस वक्त गाजी फाटक के बिल्कुल करीब बाईपास के ऊपर। तो आज सनसाइड भी है, तो हल्की हल्की सर्दी भी है, वो जा रही बारात। ये जी बिन सऊद मार्की इसको कहते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, तो आपको अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ सारा। तो जी मैं अंदर आ चुका हूँ, आज मैंने पहनी जी शलवार कमीज़ और वीडियो बनाने आ चुका हूँ। तो वलीमा है मेरे और वेलकम बारात है, और मेरे साथ हैं शकील भाई। तो शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई इस तरफ करें ज़रा फेस, आपका सही क्लियर नज़र आएगा। तो शकील भाई जी आज वीडियो बना रहे हैं और मैं पिक्स बना रहा हूँ। शकील भाई तो कैसा आज का इवेंट हमारा? आज का इवेंट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, आज मेहमान काफ़ी आ चुके हैं। तो अभी बारात का वेट कर रहे हैं गालपे हैं। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ, आपको किचन दिखाते हैं सारा जो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। शकील भाई मेरे साथ हैं, शकील भाई चलें। ये नान लग रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं तिलों वाले नान, ये बिल्कुल तैयार करके रखी जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं किस तरह नान लगाते हैं, और उस तरफ सारा बन रहा है खाना। भाई बना रहे हैं जी पेड़े, तो इस तरफ पेड़े बना रहे हैं ये। तो ये भाई इसमें तिल और धनिया वगैरह लगा रहे हैं, ये देखें बड़ा खूबसूरत, और इसमें डिज़ाइन भी डाल रहे हैं इसके ऊपर। अभी आपको दिखाते हैं सारा कुछ। तंदूर में लगा रहे हैं भाई नान, और इस तरह आप ये देखें भाई ये पैक कर रहे हैं। जी दोस्त मैंने आपको दिखाए सारे नान लग रहे हैं, जैसे कि बड़े खूबसूरत नान लग रहे हैं, और सबसे अच्छे नान जो मेरे, मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा घूमी है, तो मुझे अपने शहर के नान बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि काफ़ी लजीज और खस्ता होते हैं। तो आइए चलते हैं आपको कैसे खाना बना रहे हैं, तो आइए चलते हैं। जी काफ़ी ज़्यादा ही खाना पक रहा है और काफ़ी ज़्यादा पक गया है। तो अभी
बीफ तैयार हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे सारा। तो ये इस भाई ने तैयार किया है। मैंने तैयार किया, उस्ताद ने तैयार किया। तो ये देखे कितना लजीज खाना पक रहा है। ये भाई बना रहे हैं बीफ और ये भाई बना रहे हैं, ये देखो ये खाना। और सारा देगों को चेक कर रहे हैं, क्रीम डाल रहे हैं इसमें। तो ये साथ साथ काफी ज्यादा ये डाल रहे हैं। तो ये भाई जी खाना सारा तैयार किया, इनसे पूछते हैं कि कैसा खाना। माशाल्लाह सही है। तो कितने देर से पका रहे हैं? सुबह से लगे हैं। हां जी सुबह। तो क्या बना रहे हैं? कढ़ाई। कितने लोग? कढ़ाई यानी कि बीफ है ना? बीफ है। अभी वो डाल रहे हैं क्रीम, भाई ने डाली है। तो सारी देखो को हिला रहे हैं यानी कि। तो अभी थोड़ी देर तक खाना यानी कि मेहमान आ जाएंगे तो तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। तो स्वीट डिश में अच्छा कुल्फा है जी, आइसक्रीम है, बकाया जो आपको एवरीथिंग सारा पता है ना। तो होटल चाइनीज चावल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देंगे जी। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है आज का, तकरीबन 600-700 बंदे का अरेंज किया भाई ने। बताइएगा जरा। आज मटन वड्डा गोश्त भाजी, वड्डा गोश्त बीफ में कहते। तो तुम मटन भी कह रहे? मटन भाई क्या भलेखा लग गया शहर का, शहर तो जी अभी बरात का वेट कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ पहले। तो तकरीबन 3-3.5 हो चुके हैं। तो क्या ये सर्दियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती बारात, तो गर्मी होती तो पहले आ जाती। मगर अभी चलते हैं बाहर तो आपको सारा दिखाते हैं बारात आती तो। इतने ज़्यादा मेहमान नहीं आए, ये मुकम्मल हाल की लुक चेक करें, लाइटें सारी ऑन है। तो अभी ये जेंट्स साइड वो दूसरी साइड है सारी लेडीज़। तो जैसे ही बारात आएगी तो मुकम्मल ये हाल भर जाएगा जी। दोस्तों बारात आ चुकी है, जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रही है दूल्हे की गाड़ी, और इस वक्त सारे मेहमान ये बाहर खड़े हैं। आज की दूल्हे की गाड़ी और बैंड वाले भाई खड़े हैं। जैसे ही बारात निकलेगी वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। घोड़ियों वगैरह का इंतज़ाम तो नहीं है वैसे ही है। ये पैसे लूटने के लिए आए हैं ये भी, और अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखिए 1500 वाला कहते अड़ाना है तो फिर लुटांगे। स्टार्ट हो चुका है ये आपको नजर आ रहा है। तो ये प्राग गोश्त की रख गया हमारे पास, तो अभी खाते हैं इस प्लेट में डाल के। तो ये पे प्लेट में थोड़ा थोड़ा डाल के खा रहा हूँ, तो अभी भाई आते हैं वो भी मेरे साथ ही खाएंगे जी। दोस्तों काफ़ी मज़ेदार खाना है, बीफ अच्छा पका हुआ है और हमने मंगवा लिया। भाई अभी आ रहे हैं वो भी खाएंगे मेरे साथ, और कमाल का खाना बना हुआ है। तो उसके बाद आइसक्रीम और चावल है, तो आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे सर्दी है, तो चावल खाएंगे। तो चाइनीज़ चावल रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं तो वो खाएंगे। तो जी खाना खा लिया, खाना काफ़ी कमाल का बना हुआ था बीफ। और अभी बैठा हूँ ऑफिस में, ये यानी कि हॉल का ऑफिस है। तो अभी खाना चल रहा है यानी कि खा रहे हैं सारे लोग। तो जैसे ही खाना मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हमारी रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद जो रस्म होगी वो तो नहीं मैं आपको दिखा सकता, बकाया जो कुछ होगा वो मैं आपको सारा दिखाऊँगा। तो अभी शकील भाई भी खाना खा रहे हैं, तो पीछे मेरे भाई वो बैंड वाले भाई, सॉरी बैंड वाले तो नहीं कह सकते यानी कि साउंड वाले भाई, वो पैसे गिन रहे हैं हमारे जो आज के बने हैं। तो काफ़ी अच्छा है जी आज का इवेंट है। तो क्रीम खा रहे बागू भाई अन्नी पाए, तो अभी नज़र तो नहीं आ रहे क्योंकि रोशनी काफ़ी। बागू भाई इधर आ जाए मेरे पास यार, आप नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो जी बागू भाई खा रहे हैं जी, शकील भाई यानी कि उर्फ बागू,
यानी कि खा रहे हैं आइसक्रीम और अन्नी पा आए हैं, यानी कि काफी बड़ा गोश्त खा के आए हैं और ढिड इन्हों का काफी बड़ा हो जा रहा है। अच्छा जी, परात तुहाडे लागे पई सी, मैं आ वेखी ओ खाली सी। नहीं देखी, हाँ जी भरी परात सी। झूठ बोल रहे हो, ओ झूठ बोल रहा चलो जी एंजॉय करो। ते हुण साडा की अगला मूड की है, अगला स्टेप की है जी? तो भाई ये देखें जी, काफी ज्यादा पैसे यानी के उधर से ले गए हैं स्टेज से, तो वो देखें माशाल्लाह कितने पैसे हैं। तो अभी वो हिसाब लगा रहे हैं कितने हुए हैं यार, देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें जी पाजी लुट के ले आए ने पैसे, वाह 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 वाह। बागू ध्यान ना सुखोने नहीं यार, उन्होंने ने भी मांग रहा नहीं यार, इतने में पैसे जी, ये आज की कमाई है जी और एक इवेंट की। तो भाई आप इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद हम भाई कुछ नहीं करते, पैसे इकट्ठे करके जमा करवा के और ये जी अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया है कि आपने जैसे दरख्तों से फ्रूट तोड़ते हैं ये पैसे पकड़ते हैं और इतने और खुले पैसे 15-20 मिनट लगाते हैं और माल खुला। वाह 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 वाह, आपने पूरी भाजी ला ली जे बोतल मुंह। नहीं नहीं जनाब, झूठ बोल रहा है। ये देखें जी, मैं आपको कह रहा था कि बोतल पूरी लगा ली है पेप्सी की और पूरी पी गया है। अब बस आखिरी घोट रह गया भी पी लेना। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान के मेन बड़े यूट्यूबर है ना डकी भाई, उन्होंने एक अपने जो जितने भी देखने वाले थे उनको एक वादा किया था कि मैं सर और क्लीन शेव करवा लूंगा, 6 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो वो उन्होंने करवा लिया और वादा पूरा किया अपने जो इतने भी देखने वालों के साथ, वो उन्होंने टेंड करवा ली है तो क्लीन शेव भी करवा ली। और उसकी जो डकी भाई की बीवी मिसिस थी वो उसको कहती कि मैंने घर ही नहीं आना। ऐसा ही क्लीन भाई आपने देखे और उसका डैडी कहता था आपको कोई कह देगा कि कुएं में छांक लगा दोगे लगा दोगे, डर गया जी और डर गई है। जैसे कि मेरे पीछे नजर आ रहा है आपको, मुकम्मल हाल खाली हो चुका है, मगर इस साइड पे देखेंगे दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट है, उसी साइड पे लेडी साइड पे, तो इधर से जेंट्स खाना खा के बाहर जरा घूमने फिर रहे हैं। तो अभी तकरीबन शाम के 5:30 हो चुके हैं, तो थोड़ी देर तक ये भी रस्म मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद रुखसती, रुखसती के बाद फिर जो कुछ होगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने जाना है शिवपुरा, एक दोस्त से मिलना है, तस्वीरें एल्बम लेने हैं, तो वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। तो जी हम आ चुके हैं अपनी शॉप के ऊपर मौजम भाई के पास, मौजम भाई के पास, और मौजम भाई ने हमारे लिए बनाई मंगवाई चाय, तो चाय काफी अच्छी लग रही है और साथ है सुपर के बिस्किट, तो चाय पी के देखते हैं, कमाल है चाय तो हल्का सा बाकी मीठा काटा ही यार। मौजम भाई ने चाय बहुत कमाल की और दूध पत्ती मंगवाई है हमारे लिए, तो ये साथ हैं कप शकील भाई का और वो सामने एक भाई बैठे हैं कार के बिल्कुल आगे तो वो सामने खड़े जी भाई, ओ भाई को शर्म आ रही है और शकील साहब खाई जा रहे जी बिस्किट लंबा खाई है। अच्छा